प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है, एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो जब तक तुम साथ थे, एक दूसरे को नजदीक से देखा है, आप एक दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है तो सीक्रेट जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है, सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं, ये झूठा प्यार था, आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उसे प्यार करते थे या सिर्फ टाइम पास था। अच्छा, कुछ प्राइवेट वीडियोस थी वो बाहर निकाल दी, प्राइवेट लेटर्स थे वो बाहर निकाल दिए, समझ रहे हो, तो आपको प्यार नहीं था। मैं आपको उस सिचुएशन में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, वो ये कि जब तक किसी के साथ हो ना, उसकी कंपनी को एंजॉय करो। और अगर वो कोई सीक्रेट शेयर करता है तो उन सीक्रेट्स को ना वो बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है, समझ रहे हो आप, बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। तो आपको कभी भी उसका भरोसा तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपको कभी भी उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, यही होता है सच्चा प्यार। वो जो ना खुशनुमा दिन थे उनको संजो, अपने पास रखो, लेकिन जब वो चली जाए तो उन दिनों के साथ जियो, लेकिन अपने अंदर कभी ना ग्रजेस मत पालो।